हेलो दोस्तों, मैं संयोगिता आज फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नई जानकारी के साथ। आज के इस वीडियो में मैं भारत के राज्य उत्तर प्रदेश की बुनकरी कला के बारे में बात करूँगी। उत्तर प्रदेश अपनी बहुत सी कलाओं के लिए विश्व भर में अपनी अलग पहचान रखता है। यहाँ लखनऊ राज्य का चिकनकारी वर्क, जरदोजी वर्क, वाराणसी राज्य की बनारसी बुनकरी और मिर्जापुर की कारपेट बुनकरी विशेष प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध लेखक रस्किन बॉन्ड के अनुसार उत्तर प्रदेश इंद्रधनुषी भूमि है, जहाँ अनादि काल से बहुरंगी संस्कृति फली फूली है। यह विभिन्न भौगोलिक भूमि और बहुत अधिक सांस्कृतिक विविधता के साथ धन्य है। यह अपने आप में ही एक दुनिया है। उत्तर प्रदेश के सभी कलाओं में हम सबसे पहले चिकनकारी की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश का लखनऊ राज्य चिकनकारी का गढ़ माना जाता है। चिकनकारी का काम नूरजहां द्वारा शुरू किया गया था। नूरजहां को यह कढ़ाई बेहद पसंद थी। यह कढ़ाई मुख्यतः मलमल और बारीक रेशम पर की जाती है। पहले यह कढ़ाई सफ़ेद कपड़ों पर सफ़ेद धागों से की जाती थी, किंतु फैशन की मांग के चलते अब यह कढ़ाई मोटे पतले सभी प्रकार के कपड़ों पर ऊनी रेशमी सूती सभी प्रकार के धागों से की जाती है। नूरजहां को पसंद होने के कारण इस कला को राजा सलीम द्वारा बेहद प्रोत्साहन मिला। आज के समय में यह कढ़ाई भारत के विभिन्न राज्यों में होती है, लेकिन मुख्य केंद्र लखनऊ ही है। लखनवी वर्क में विशेषकर चिकनकारी वर्क, जरदोजी वर्क, मुकेश वर्क प्रमुख हैं। इनके अलावा दर्ज और कट वर्क का काम भी कपड़ों पर किया जाता है। चिकनकारी वर्क में कपड़ों पर बेल बूटे फूल पत्तियों का सुंदर छापा बनाकर उन पर सफ़ेद धागों से कढ़ाई की जाती है। इन कढ़ाइयों में विशेषकर छाया, घास पत्ती, मुर्री, बखिया और जाली द्वारा बूटा बनाया जाता है। जरदोजी का काम दबका, जरी, पोत, सीक्वेंस और सीप के द्वारा किया जाता है। मुकेश वर्क में पतले चपटे तारों द्वारा कढ़ाई की जाती है। इसके अलावा कट वर्क में कपड़ों को डिज़ाइन के अनुसार जलाकर उस पर डिज़ाइन की जाती है और कपड़ों के टुकड़ों को हाथों से जोड़कर सामान बनाने को दर्ज कहा जाता है। लखनवी कढ़ाइयाँ बेहद शालीनता और बारीकी से की जाती हैं। हाथ से की जाने वाली ये कढ़ाइयाँ अपने मूल्य को उचित साधती हैं। फैशन के इस दौर में आजकल मशीन से भी कढ़ाइयाँ की जाती हैं, लेकिन हाथ से की जाने वाली कढ़ाइयों द्वारा बनी पोशाकों की बात ही कुछ और है। अब हम बात करते हैं बनारसी बुनकरी की। उत्तर प्रदेश का प्राचीन शहर वाराणसी, जिसे हम बनारस के नाम से भी जानते हैं, काशी विश्वनाथ की ये नगरी बनारसी बुनकरी के लिए भी विशेष प्रसिद्ध है। बनारसी साड़ियों के बिना किसी महिला की अलमारी पूरी नहीं होती। कहावत है, हिंदू शादी की साड़ी बनारसी साड़ी। प्राचीन काल में कपड़ों पर सोने और चांदी के तारों से बुनकरी की जाती थी, लेकिन अब इनकी जगह नकली तारों ने ले ली है। बनारसी बुनकरी किमखाप के तारों और रेशम के द्वारा की जाती है। टसर सिल्क, कातान सिल्क, खादी सिल्क, दुपिया सिल्क, ब्रोकेड, तनछोई बनारसी के मुख्य प्रकार हैं। इनके अलावा बनारसी बुनकरी अब जॉर्जेट और बंदेज पर भी की जाती है। कारपेट बुनकरी। उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर जिला अपनी खूबसूरत हाथ से बने पारंपरिक कारपेट बुनकरी के लिए विश्व विख्यात है। यह भारत का सबसे बड़ा रोजगार देने वाला उद्योग है।
इसके बारे में और जानकारी के लिए आप मेरा वीडियो मिर्जापुर कारपेट देख सकते हैं, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ये सभी कलाएं पहले सिर्फ राजसी लोगों और दरबार की शान होती थी, किंतु अब यह महलों से निकलकर घरों की शान बन गई है। जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि उन्हें ये जानकारी कैसी लगी। धन्यवाद।